हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आर चैनल प्रैप ऑनलाइन स्टूडेंट आज का जो हमारा विषय है वो है क्या हमें नी 2020 जो 13 सितंबर को होने जा रहा है वो देना चाहिए कि नहीं देखिए स्टूडेंट ये एक सेंसिटिव इशू है शायद मैं जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूंगी तो आप मुझे ट्रोल कर सकते हैं आप मुझे बैड कमेंट भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं बट ये रीजन जो मुझे मिला है कि कल मेरे फादर का जो मुझे कॉल आया उसके बाद में तो मुझे लगा कि शायद मुझे अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने भी रखना चाहिए देखिए स्टूडेंट्स मेरे फादर गायनोकोलॉजिस्ट हैं सीनियर सर्जन है और उनको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है इवन उनका डायबिटीज जो है वो भी उनका इंक्रीज हो गया है तो उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है लास्ट पूरा एक मंथ से उन्होंने ऑफ लिया और वो घर पे रह रहे हैं ठीक है तो मैंने उनको कल बोला कि पापा आप रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेते हैं तो उन्होंने मुझे रिटर्न में रिप्लाई किया कि बच्चा रिटायरमेंट अभी पॉसिबल नहीं है ड्यू टू कोविड नाइन्टीन ठीक है उसी के बाद मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई कुछ क्लियर हुई जो मैं आपके सामने भी रखना चाहती हूँ देखिए स्टूडेंट ये कुछ चीज़ें हैं जिनको मैंने आपके सामने रखा है क्योंकि एक सबसे बड़ा इशू कोविड नाइनटीन जो हमारे सामने आ रहा है और जिसको हम फेस कर रहे हैं इवन इसको आप ही लोग नहीं हर एक इंडिविजुअल जो इंडिया में हमारे रह रहा है उसके बाहर भी हम सभी इसको फेस कर रहे हैं। कोविड नाइनटीन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये वायरस आएगा और ये इस तरीके से फैलेगा स्प्रेड होगा ठीक है कोविड नाइनटीन यस कोर्स हमें उससे अपने आप को बचाना है हमें मास्क पहनना है ग्लव्स पहनने हैं सैनिटाइज करना है ठीक है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है ये सारी चीजें हमें मालूम है और हमें इन्हें फुलफिल करनी भी है ठीक है बट स्टूडेंट चूंकि कोविड नाइन्टीन की वजह से हमारे इंडिया के अंदर लॉकडाउन हुआ और आप जानते हैं ये लॉकडाउन कई बार हुआ कई रीजन क्या था लॉकडाउन का जो सबसे पहले लॉकडाउन हुआ उसका रीजन यही था क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट बहुत कम थे बहुत कम ऐसे लोग थे जो इन्फेक्टेड थे तो हम चाह रहे थे कि सभी लॉकडाउन की वजह से अपने घर में रहे तो उसका स्प्रेड रुक जाए प्राइमरी स्केल पे ही ठीक है बट ड्यू टू की जितने भी लोग हैं वो अगर शायद मैं बोलूँ इन रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलूँ या जो भी फैक्टर रहे होंगे उसकी वजह से ये स्प्रेड हुआ ठीक है और ये धीरे धीरे स्प्रेड इंक्रीज हुआ और उसकी वजह से आज शायद हम कम्युनिटी स्प्रेड के अंदर हैं बट अब ये अनलॉक के प्रोसेस हो रहा है उसका रीजन क्या है क्योंकि अब ये स्प्रेड हो चुका है बच्चा अब इस स्प्रेड को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है अपने आप को कि हम प्रिकॉशंस रखें हम लॉकडाउन के टाइम पे जो हमें ध्यान रखना था वो हम नहीं रखा अभी कम्युनिटी स्प्रेड हो गया बट इस टाइम पे हमें अपना अपने आप को ध्यान में रखना है हमें हमें मास्क लगाना है हमें ग्लव्स पहनने हैं हमें सैनिटाइज करना है हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है हर चीज को हमें ध्यान रखना है बट बच्चा ये हमें करना होगा लॉकडाउन हुआ अब लॉकडाउन नहीं है अब अनलॉक हो रखा है अब हर चीज प्रोसेस में आएगी बच्चा हर चीज आगे बढ़ेगी हम भी आज जॉब पे आ रहे हैं हमें टू मंथ्स अगर सोचो मैं अपना ये जॉब जो मेरी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उसको फुलफिल नहीं करूं तो शायद हम जो प्रेप शॉट आप लोगों के लिए लेके आए जो भी हम क्विज आप लोगों के लिए लेके आए जो घर बैठे आपको इतनी हेल्प कर रही है वो सब चीजें हेल्प नहीं होगी अगर हमने अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझा होता लॉकडाउन के टाइम पे भी क्या कंप्लीटली मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या कंप्लीटली लॉकडाउन था क्या कंप्लीटली सब अपने घरों में बैठे थे नहीं डॉक्टर्स अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो कर रहे थे पुलिस अपनी सो, जो सोशल है उनको फुलफिल कर रही थी हमारे जितने भी वर्कर्स हैं जो भी साफ सफाई कर रहे थे वो सभी इवन आप देखो जो राशन का सामान सेल करने वाले जितने भी हैं उन लोगों वो भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहे थे तभी तो हमें फूड मिल सका उस लॉकडाउन के टाइम पे भी सब अपने घर में बैठ जाते तो क्या ये सब चीजें हो पाती डॉक्टर्स अगर नहीं होते तो क्या हम इतना जो हम कंट्रोल कर पाए वो कंट्रोल कर पाते हमारे पेशेंट जो इतने इंप्रूव हुए हैं क्या वो हो पाते है? ये हमारी बच्चा सोशल रिस्पांसिबिलिटी है सोशल रिस्पांसिबिलिटी जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी है बट इसी के साथ में बच्चा एक जो चीज आती है नीट 2020 हमारा ये एग्जाम और ये देना हमें क्यों इंपॉर्टेंट है क्या रीजन है बच्चा मैं इस पे आपसे बात करना चाहती हूं बच्चा अगर नीट 2020 ट्वेंटी अगर वो मई में नहीं हुआ आगे आया ठीक है नहीं हुआ वो फिर जुलाई में भी फिर सितंबर में हुआ अगर ये स्प्रेड जैसे जिस तरह से बढ़ रहा है अगर हम इसकी डेट भी आगे से आगे बढ़ाते जाएंगे तो शायद एक टाइम ये आएगा कि हम पूरा 2020 जो ईयर है उसी को स्किप कर जाएंगे और इस साल हमारा एग्जाम नहीं होगा ठीक है बट बच्चा एक पूरा साल नीट ट्वेंटी ट्वेंटी का एग्जाम नहीं होने से हमें जो लॉस होने वाला है जो लॉस जो नुकसान हमें होने वाला है बच्चा उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे क्योंकि आप देखो हर साल जो स्टूडेंट जो डॉक्टर बन के आते हैं वही तो रिप्लेस करते हैं ना जो रिटायर हो जाते हैं उनको यानी कि आज शायद हो सकता है बी जो भी नीट ट्वेंटी ट्वेंटी का जो बैच बनता है वो बैच शायद हो सकता है नहीं होगा नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन का ही बैच आए सीधा डायरेक्ट बट नंबर ऑफ सीट तो बच्चा उतनी ही है ठीक है यानी अगले साल जो बच्चे आएंगे वो उतने ही आएंगे जो 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 बैठना चाहते हैं जिनका वो टाइम आ गया कि उनको रेस्ट करना चाहिए उनको अपनी फैमिली के लिए भी टाइम देना चाहिए उन्हीं को तो आप रिप्लेस करते हो ना तभी तो आप आते हो सामने तभी तो हमें हमें वापस ये जो डॉक्टर है उनकी जो फैसिलिटीज है वो हमें मिलती रहती है एक पूरा बैच नहीं आने से हमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना उनका लॉस जाएगा। इतने डॉक्टर्स हमें नहीं मिलेंगे और हमें उसका फॉर द सिक्स मंथ ठीक है कुछ टाइम के लिए तो, उसको रोक दिया गया रीजन क्या रीजन यही तो है ताकि डॉक्टर जो है अवेलेबल रहे बच्चा ऐसे इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो मैं ये चाहती हूँ कि नीट ट्वेंटी ट्वेंटी अगर एग्जाम नहीं हुआ तो उसकी वजह से जो लॉस होगा शायद वो अभी हमें ना दिखाई दे पर वो तीन से चार साल बाद आने वाले साल में हमें शायद वो देखने को मिल सकता है तो हमें मुझे लगता है कि हमारी भी एज ए स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट जो है वो हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उस एग्जाम को दे और उसमें क्लियर हो ठीक है मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रही हूं ये नहीं करी कि आप जाके एग्जाम दीजिए बट उसी के साथ में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने ड्रीम देखा है जिन्होंने सपना देखा है जो दो साल से तैयारी कर रहे हैं कुछ एक साल से तैयारी कर रहे हैं नीट ट्वेंटी ट्वेंटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और शायद वो भी यही चाहते हैं कि हमारा एग्जाम इसी साल हो जाए और हम मेडिकल कॉलेज में जाए बच्चा ये जो कोविड नाइनटीन चल रहा है इस पर टाइम आने पर वैक्सीन भी बनेगा हम इस पर कंट्रोल भी कर लेंगे और हम इसको हमारे प्रिकॉशन रखें ध्यान रखें हम इससे बच भी सकते हैं ठीक है मैं ये कोई हंड्रेड परसेंट नहीं कह रही हूँ कि कोविड नाइन्टीन नहीं होगा स्टूडेंट्स को या किसी और लोगों को नहीं होगा इस बारे में मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही हूँ बट फिर भी हम ध्यान रख सकते हैं क्योंकि हमारी जो मॉरल ड्यूटीज है हमारी जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी तो हमें उसकी तरफ भी तो देखना है हर कोई इंसान आंखें बंद करके बैठ जाएगा तो काम कैसे चलेगा ये चेन है ये साइकिल है ये घूमता है इसी तरीके से तो शायद हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चा सोचना चाहिए हमें हमारी सोशल के बारे में भी सोचना चाहिए और ये जो फ्यूचर डॉक्टर हमें मिलने वाले हैं जो हमारे इस बैच से हमें मिलने वाले हैं वो रिप्लेस करेंगे ऐसे ही डॉक्टर्स को और बच्चा बच्च, वो भी वो डॉक्टर्स भी अपने घर पे पाएंगे अपने फैमिली को टाइम दे पाएंगे यानी कि आप सिर्फ फ्यूचर इंडिया का है अपने घर का है उसी के साथ में आप ऐसे हजारों और डॉक्टर्स फैमिली का भी आप क्या है फ्यूचर है आप उनके उनके लिए एक वो कहते हैं ना उम्मीद की किरण है कि जब आप आएंगे जब नया बैच आता है नए डॉक्टर्स आते हैं तभी वो रिटायरमेंट लेके घर पे अपना बैठ पाते हैं तो शायद हो सकता है मे बी मैं बड़ी इमोशनल हो रखी हूँ मेरे पापा को लेके तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया बट बच्चा एक बार जरूर सोचना इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि थर्टीन सेप्टेम्बर को आपको एग्जाम देने जाना चाहिए कि नहीं आप जा सकते हैं एन पूरी तरीके से

ठीक है बट ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं आपके आप सामने रखना चाहती हूँ अगर आपको लगे तो आप इस, इस तरीके से भी एक बार जरूर सोचिएगा तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच